आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर आपका क्वांटम नंबर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर है, और उस क्वांटम नंबर से रिलेटेड आप पिछले वीडियोज को देखिए। क्वांटम नंबर विद एक्सप्लेनेशन एंड टाइप्स हमने पढ़ा। अब यहाँ आज की डेट में हम लोग देखने वाले हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है हिंदी में। तो क्या है पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? व्हाट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये आपके ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट उल्फगैना, उल्फगैंग लिखा जाता है, इन 1925 में उल्फगैंगा पाउली ने दो चीजों का एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, इन्होंने ऑर्बिटलों की व्यवस्था एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, और सेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, एक रूल दिया जिसे कहा गया है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, तो ये दो पॉइंट आपको जानना है। पहला, ये आपका एक्सप्लेनेशन किया गया है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल का, और दूसरा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए ये रूल बनाया गया, पाउली ने दिया, उल्फगैना पाउली नामक साइंटिस्ट ने दिया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इन्होंने बताया है आपका क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हम सिंपल वे में लिख लेते हैं, फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर फॉर टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम नेवर कैन बी सेम, ये बताया है आपका पाउली ने। फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर फॉर टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, किसी एटम में टू इलेक्ट्रॉनों के लिए फोर टाइप के क्वांटम नंबर, चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं नेवर कैन बी सेम, कभी नहीं हो सकती हैं सेम, किसी भी आइटम में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए फोर टाइप के जो क्वांटम नंबर होते हैं उनकी वैल्यूज सेम नहीं होती है, या इसको हमने लिख लिया है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, जो चार सेट है क्वांटम नंबर का, इनमें से किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। अब कहा गया इफ, अगला पॉइंट है इफ एन एल एम प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ एन एल एम हैव सेम बट वैल्यू ऑफ एस ऑलवेज डिफर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 1/2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव 1/2। कहा गया कि यदि
बैलू आप यन एल एम, यद यन एल एम की वैल्यू सेम भी हो जाए बट लेकिन वैल्यू ऑफ एस स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑलवेज कैसा होगा, डिफर होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव 1/2 होगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव 1/2 होगा। यही बताया है किसने, पाउली ने। इन्होंने कहा कि अगर दो पर्सन हैं, दो व्यक्ति हैं और इन दो व्यक्तियों के आपके लड़के हों, इन दो व्यक्तियों के क्या हैं लड़के, दो भाई हैं, दो पर्सन हैं, दो व्यक्ति हैं, इनके सब सन हैं, सन्स हैं, पुत्र हैं। अब इन पुत्रों में कभी पटेगा नहीं। मान लीजिए यहां कहा गया कि दो दो पुत्र हैं दोनों के, सब फोर सन्स हैं, तो इनमें से इन तीन में पट सकती है लेकिन चौथी में कभी नहीं पटेगा। ऐसे भी दो ब्रदरों में नहीं पट रहा है। तो यही बताया पॉली ने कि आने वाली पीढ़ियों में मान लिया जाए कि दो पिता के चार पुत्र हो तो चारों में कभी नहीं पटेगा, तीन में पट सकता है लेकिन चौथे में कभी नहीं पटेगा, याद रखिए। तो ये यन एल एम की वैल्यू सेम हो सकती है बट यस की वैल्यू जो है ऑलवेज डिफर होगा। ये बताया किसने, पॉली ने। तो फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, फॉर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम नेवर कैन बी सेम, कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी सहायता से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑर्बिटलों का और कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल की। अब कैसे एन एल एम सेम होगा और यस की वैल्यू सेम नहीं होगी, इसका जिक्र किया जाए। तो इसको हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यन इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, यन इज इक्वल टू वन, यन एल यन वन हो गया, एल एम एस प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। यन इज इक्वल टू वन तो एल बराबर जीरो, क्यों, यन माइनस वन जो होता है ये हमेशा एल के इक्वल होता है विद जीरो, तो विद जीरो जीरो हो गया, एम भी जीरो, यस आपका हो गया पॉजिटिव 1/2। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन, एल जीरो, एम जीरो, यस नेगेटिव 1/2। ये खास बात है, आप देख सकते हैं एन दोनों में वन है, एल की वैल्यू जीरो, एम की वैल्यू जीरो, बट यस की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव है। तो हमेशा जो है एन एल एम ये तीनों वैल्यूज सेम हो सकते हैं बट ऑलवेज वैल्यू ऑफ यस डिफर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 1/2 एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1/2। यहां आप ध्यान देंगे, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है आपका नीट में, ये आया है आपका जी में, इन सब इंट्रेंसों में आया हुआ क्वेश्चन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन या आप कह सकते हैं एक्सप्लेन हाइड्रोजन आइटम,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम। ये रूल जो पाउली ने बनाया ये दो पर्सन के लिए बनाया, किसी आइटम में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए बनाया, और हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, वन ही इलेक्ट्रॉन है, तो वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये रूल आपका फॉलो नहीं होता, ये हाइड्रोजन आइटम को डिफाइन नहीं कर सकता है। बाय दिस रूल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। इसकी सहायता से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का कैलकुलेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अरेंजमेंट और टोटल कैलकुलेशन हम इलेक्ट्रॉनों का सेलों में कर सकते हैं इसकी सहायता से। ये है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो ये आपका यदि आवश्यक है एप्लीकेशन से आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, इसमें तमाम पॉइंट्स हैं, फॉलोइंग मेनी पॉइंट्स इन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। देखते हैं हम फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर और n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, सेल की बात कर रहा है, किसी भी सेल में जो है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये 2n स्क्वायर के इक्वल होगा, जहां n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर यहां 1 रखते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखेंगे तो 8, यहां 3 रखेंगे तो आपका 18, 4 रखेंगे वो आप 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट आर मेन एनर्जी लेवल आर सेल 2n स्क्वायर n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर। सेकेंड पॉइंट टोटल नंबर ऑफ सब सेल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल। जो आपका टोटल सब सेल है वो टोटल सेल के इक्वल होता है। एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4 तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 विद 0, तो 1 माइनस करिए 0, 1, 2, 3, ये 4 है तो 1, 2, 3, 4 दोनों की वैल्यूज आपस में क्या है इक्वल। ये 4s है, 4p, 4d, 4f। हमेशा जो है 4 ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होंगे, 4s, 4p, 4d और 4f होंगे। तो ये आपका हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड कहा गया है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n स्क्वायर। टोटल जो ऑर्बिटल होगा वो n स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसी के लिए हमने फार्मूला लिखा है m इज इक्वल टू n स्क्वायर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी n स्क्वायर के क्या होता है इक्वल, और n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप ऑर्बिटल की बात करेंगे s, p, d और f में, s में मैक्सिमम 2, p में आपका मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, d में मैक्सिमम 10
और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बात हम पी ऑर्बिटल की करते हैं, अगर पी ये हो गया है आपका सबसेल और पी में आप बना लेंगे 3 ऑर्बिटल, ये क्या हो गया ऑर्बिटल, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हम एक ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये वन ऑर्बिटल है। किसी भी सबसेल के वन ऑर्बिटल में अगर ये हम वन ऑर्बिटल बनाते हैं तो वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये ही ये भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको जो है आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आप वन ऑर्बिट एनी सबसेल फाउंड अपोजिट डायरेक्शन आर स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी स्पिन वाले होते हैं, विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ये अगर आप बनाते हैं ऐसे या इनको आप एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए तो ये दोनों आपके बिल्कुल रॉन्ग हैं। तो आप यहां देखते हैं मेन पॉइंट क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के, इसकी बात हम लोग करते हैं। और ये बताया गया जब बात हम ऑर्बिटल की करते हैं तो इसको वेव थ्योरी के बेस पर बताया है स्वाडिंगर ने, और इन स्वाडिंगर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल में पाया जाता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं, मूव करता है। ये है आपका एटम, ये है न्यूक्लियस, ये है के, अब के सेल है, सेल को डिवाइड किया गया है आपका सबसेल में, इसे डिवाइड किया गया सबसेल में, और सबसेल में आप पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल एस पी डी और एफ जी एच आई, ये सब ऑर्बिटल हैं। शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, तो ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर का ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, वो ऑर्बिटल है आपका। सुन लीजिए आप ऑर्बिटल, व्हाट इज द ऑर्बिटल, सराउंडेड बाय न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल रीजन, फाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कॉल्ड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन स्पेशली फाउंड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ स्वेडिंगर। स्वेडिंगर के वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में रहता है और जहां 3 डायमेंशनल रीजन वाले क्षेत्र रीजन में पाया जाता है इसी को कहा गया है आपका ऑर्बिटल। तो ये आप देख सकते हैं इतने क्या हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अप्लीकेशंस हैं।